क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार। कहाँ से आ रहे हैं? हम देमा से आ रहे हैं। देमा के ही स्थानीय निवासी जी। क्या कहना है? डेढ़ महीना पहले ही बना है, देखिए रोड का क्या हाल है। जो आया लेपा पोती करके वो चला गया, ऐसा ही रोड हो रहेगा तो कितना दिन ही टिकाऊ पाइप रहेगा, देखिए। महीना पहले ही। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। कहाँ घर है? देमा। सड़क के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहिएगा, अपना वो पूरा एक महीना भी नहीं हुआ, पूरा रोड खत्म हो गया है, क्या समाज सेवा और कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कितने दिन पहले बना है ये सड़क? बस एक महीना तो हुआ, अभी 15-20 दिन पहले प्रिंटिंग व्रिंटिंग मार के लेके गए थे, फोटो वोटो पार के। अभी ये कुछ ये नहीं है, देखिए अभी देख ही रहे हैं रोड का हालात क्या है। रिक्स लेके बनाए तो खराब होगा ही नहीं, बताइए। ऐसा गोबर माटी वाला काम हुआ, खराब हो गया, अब इसके लिए आम पब्लिक को दिक्कत होगा, आने जाने का रास्ता समझिए हम लोग को। फिर देख रहे हैं कि ऊपर ऊपर से ढाल दिया हुआ है पूरा। सर ये देखिए रोड का बना हुआ है, 1-1.5 महीना हुआ है, 1-1.5 महीना में यह हाल है रोड का। क्या कमी रह गई सर इसमें? देखिए बढ़िया से अथिन जाता हूँ, गिट्टी नहीं नीचे, मेटल कम कर दिया, मेटल नहीं दिया हुआ है, मेटल नहीं दिया हुआ, मेटल का मात्रा कम है। कब बना, कब है ये? ये 1.5-2 महीना हुआ है। 1.5-2 महीना बना है और 1.5-2 महीने में ही टूट गया। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी 73 लाख की सड़क, निर्माण के महज 2 महीने बाद ही टूटने लगी है सड़क। सड़क के गुणवत्ता पर लोगों ने उठाया सवाल, स्थानीय ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग, एसडीओ ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। परसौनी प्रखंड मुख्यालय स्थित धोधनी में कारी साह के घर से देमा पासवान टोला तक जाने वाली ग्रामीण सड़क निर्माण हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए और जगह जगह सड़क टूटने लगी है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई यह सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लाखों की लागत से बनी यह सड़क महज 2 माह के भीतर जर्जर हो गई है। सड़क की कालीकरण में लगाई गई गिट्टी छिटकने लगी है, कई जगह सड़कें टूट गई। ऐसे में सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है, इससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। बताया गया है कि देमा गांव से मुख्य मार्ग NH 227 को जोड़ने वाली इस सड़क का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत संवेदक विमलेश कुमार के द्वारा 73 लाख रुपए की लागत से कराया गया था। इसकी लंबाई 1 किलोमीटर 400 मीटर है। लोगों का कहना है कि निर्माण के दौरान मानकों के द्वारा जमकर अनदेखी की गई है, सड़क निर्माण के दौरान घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, सड़क के नीचे गिट्टी व मिट्टी का अनुपात ठीक नहीं था, कालीकरण में भी जमकर अनियमितता बरती गई है जिससे नवनिर्मित सड़क जर्जर हो गई। स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, यही कारण है कि सड़क बनते ही टूटने लगी है। सालों के प्रयास के बाद सड़क का निर्माण हुआ, यदि सड़क इसी तरह टूटती रही तो कुछ ही दिनों में पूरी तरह जर्जर हो जाएंगी। संवेदक तो सड़क निर्माण कर विभाग से अपना पैसा लेकर चला गया है, लेकिन परेशानी इस क्षेत्र के लोगों को झेलनी पड़ेगी। उन्होंने इसकी जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है।